हाँ जी जी मैं आपको बताऊंगा आप खुद का ब्रेन वायरस सिर्फ नोटपैड के जरिए कैसे बना सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वायरस काम कैसे करता है, ताकि बाद में आपको समझने में आसानी हो। अब जो जो वायरस काम करे वो आप याद रखिएगा, ताकि आपको बाद में कोडिंग समझाते वक्त आसानी के साथ आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये वायरस है। मैंने इसका आइकन चेंज करके माय कंप्यूटर में तब्दील किया हुआ है, ताकि किसी को पता ना पड़े ये वायरस है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। अब याद रखिएगा क्या क्या होता है। अब पहले मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हेलो ऑल माय फ्रेंड्स। मैंने ओके कर लिया। अब इसमें ये इनपुट बॉक्स अपीयर हुआ है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट्स योर नेम। अब मैं इसमें नाम अपना लिख देता हूँ, जो नाम है। अब मैंने इसे ओके कर दिया। अब ये वापस मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ है, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, जो उसने इनपुट बॉक्स में मुझसे नाम लिया था, फराज़। डू यू वॉन्ट टू ओपन माई कंप्यूटर। मैंने इसे ओके कर लिया। हाँ, अब लिखा हुआ है थोड़ी देर इंतज़ार करो, नाउ वेट फॉर अ वाइल वी विल ओपन माई कंप्यूटर। ये थोड़ी देर बाद खुद ही खोलेगा आपका माई कंप्यूटर। आप ओके पर क्लिक कीजिए और अब कुछ ना हिलाइएगा ना कुछ कीजिएगा, ये खुद ही आपका कंप्यूटर खोल कर देगा। ये देखें, ये खुद ब खुद चल रहा है, आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है ना कीबोर्ड पर टाइपिंग करने की। अब ये ऑटोमेटिकली नोट पैड ओपन हुआ। ये देखें, अब ये टाइपिंग भी खुद ही हो रही है। अब सुनिएगा आवाज़ क्या आती है। हाँ 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 ये हाँ देखें, अब ये आवाज़ कैसे आई ये भी आपको मैं बताता हूँ। अब ये अपीयर हुआ है वापस मैसेज बॉक्स, ये आवाज़ के बाद ऑटोमेटिकली आपका सीडी रोम ओपन होगा, लेकिन क्लोज नहीं होगा, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब लिखा हुआ है मैसेज बॉक्स योर कंप्यूटर हैज़ बीन फुली हैक्ड। ओके कर लें आप। ओके करने के बाद अब लिखा हुआ है डोंट वरी नथिंग हैपन इट्स जस्ट अ प्रैंक। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये नकली है। अब ये देखें, वही वाला मेरा नाम वापस आया, फराज योर कंप्यूटर इज सेफ। जो आप इनपुट बॉक्स में अपीयर लिखेंगे वो यहाँ पर आएगा। ओके क्या, नाउ यू कैन रन योर कंप्यूटर फराज। अब चला सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से कि सारी कोडिंग्स कैसे इस्तेमाल होंगी और आप कैसे सीख सकते हैं आसानी के साथ। चलें, अब मैं आपको कोडिंग समझाता हूँ। सबसे पहले आप नोट पैड ओपन कर लें। मेरे पास पहले से ही नोट पैड में कुछ कोडिंग्स लिखी हुई हैं, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ। ये देखें, नोट पैड यहाँ पर जाकर आप ओपन कर लें। ये नोट पैड में ओपन हो गया, मैंने पहले से इसे संभाल के रखा हुआ है। पहले आपको मैं मैसेज बॉक्स की कोडिंग समझाता हूँ। मैंने इसे ओपन किया नोट पैड में, ये कोडिंग आप देख लें, ये बिल्कुल सिंपल है। आप सबसे पहले मैसेज बॉक्स अपीयर करना है तो MSG बॉक्स लिख लें, इसके बाद ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास। अब यहाँ पर जो आप टाइप करेंगे ना, वही मैसेज बॉक्स में लिखा हुआ आएगा। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने हेलो ऑल माई फ्रेंड्स लिखा हुआ है। अब इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, फिर कल ब्रैकेट्स डाल लें। अब इसके बाद इसे आप सेव एस कर लें, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे नोट पैड से क्या कुछ हो सकता है। नोट पैड एक पावरफुल सॉफ्टवेयर है जिसका किसी को भी पता नहीं है, बहुत कम ही लोग होंगे जिसके वो इसके बारे में पता होगी। अब आप इसे किसी भी फाइल फॉर्मेट में इसे सेव कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसे करना है VB स्क्रिप्ट में। ये गलती से हो गया, VBS विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। अब मैंने इसे सेव कर लिया, वैसे मेरे पास सेव हुआ हुआ, ये देख लें, मैसेज बॉक्स VB ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वॉन्ट टू प्लेस इट। ये मैंने पहले से आपको दिखाने के लिए सेव कर रखा हुआ था। अब मैंने मैसेज बॉक्स की ये VB स्क्रिप्ट बना ली है। अब मैंने इसे ओपन किया। याद रखिएगा, आप इसमें एडिटिंग करेंगे तो इसमें सेव नहीं होगा, इससे वापस एडिट करेंगे। ये तो मैंने सेव बैकअप बना कर रखे हुए हैं, क्योंकि आप इसके बैकअप बना कर रखें तो बेहतर है। आप इसे विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट यानी कि VBS में कन्वर्ट ना रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात एंटीवायरस इसे उड़ा देता है वायरस का नाम देकर, और मैं बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब आप इसको इसी में कन्वर्ट करके बैकअप बना कर रखिएगा, ये ऐसे आप कोने पर रखिएगा। अब ये देखें, मैंने इस पर एडिट किया, आपको समझ आ गया। अब ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन किया, मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया था। मैंने ओके किया, क्लोज हो गया। लेकिन अब अहम बात, ये बार बार खुले ऐसा भी तो होना। अब ये मैं आपको बताता हूँ। अब कोई भी कोडिंग लिखें, कोई भी भले 10-20 कोडिंग लिखें, लेकिन सबसे पहले आप डू लिखेंगे, और जहाँ तक जो जितनी कोडिंग आपको बार बार चलानी है वो लूप कर लेंगे। देखें, लूप कर लिया, लूप का L कैपिटल होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देखें, अब ये लूप डू और लूप कर लिया। अब इसे आपने सेव कर लिया। अब लूप से क्या होगा, आपने एक बार मैसेज बॉक्स अपीयर किया, चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, वापस आएगा। अभी आप क्लोज कैसे करेंगे, ये आप क्लोज तो एक मेथड है शट डाउन कर लें कंप्यूटर,
ये हो सकता है। दूसरा मेथड है टास्क मैनेजर खोलना और डब्ल्यू स्क्रिप्ट के नाम से प्रोसेसेस में होगा, एप्लीकेशंस में वैसे ओपन होता है, मैंने तो रोज़ाना प्रोसेसेस ओपन करता हूँ इसलिए मेरा यहाँ से आता है। डब्ल्यू स्क्रिप्ट में जाकर आप एंड प्रोसेस कर लें, ये बंद हो जाएगा, देख लें बंद हो गया। अब आपको ये मैं बताता चलूँ, ये ऐसा ना आपने इतनी सारी कोडिंग्स अपेयर की और आपने ऐसे कर लिया मैसेज बॉक्स आपने लिखा, मिसाल के मैं बताता हूँ, ये देखें मैसेज बॉक्स कॉपी पेस्ट, अब मैंने यहाँ कुछ भी लिख लिया टेक, ये देखें। अब आपने इस तरीके से किया कि आपने पहली कोडिंग भी लिखी, अब इसके बाद लूप लिख लिया, अब ये मसला होगा यहाँ से यहाँ तक बार बार चलती रहेगी यहाँ तक पहुँचने का, नाम लेगी कब, जो कि आपने ये कोडिंग डाली है तो बिला फजूल की डाली है, आपको अगर डालनी है इस करनी है तो इससे कट कीजिए, इससे लूप यहाँ लूप लगा लीजिए, ये देखें ये आपने लूप किया, अब ये दो कोडिंग चलती जाएगी, जैसे कि आपको अभी मैं पहले दिखा दूँ, ये देखें ऑल ऑल माई हेलो ऑल माई फ्रेंड्स टेक, हेलो ऑल माई फ्रेंड्स टेक, ये चलता जाएगा, अब ये आपको टास्क मैनेजर के ज़रिए आप क्लोज कर सकते हैं, ये देखें। अब स्टार्टिंग में आप लगाएंगे वो नहीं आएगी, आपको अभी दिखा दूँ, अभी आप यकीन नहीं कर रहे होंगे, ये मैंने आपको दिखाया नहीं इसलिए सेव, ये देखें हेलो ऑल माई फ्रेंड्स, वो आपका टेक का आया ही नहीं, आपका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसलिए आप डालें तो आखिरी वाली में डालें वरना डालें ही नहीं, ये देखें। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आपने हेलो ऑल माई फ्रेंड्स में कर लिया, डू में कर लिया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं अभी ये सिखा रहा हूँ। लूप में आप अगर एल छोटा लिख ले तो मसला नहीं, ये देखें सेव, अब आपका वो पहले हेलो ऑल माई फ्रेंड्स वाला लूप नहीं होगा, ये लूप होता जाएगा। अब ये आपको क्लोज करूँ, ये आपको लूप का तो मैंने आसानी के साथ समझा दिया, अब मैं बाकी कोडिंग्स के साथ चलता हूँ, ये जल्दी से निपट जाएगी। अब ये देखा एडिट, अब मैंने जैसे कि इसे तो वीबी स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके रखा हुआ, अब इनपुट बॉक्स का आपको समझाता हूँ, ये देखें ये है कोडिंग इनपुट बॉक्स की, अब मैंने इनपुट बॉक्स को सिर्फ आसानी के साथ इसे बराबर कर लिया नेम के बराबर, यानी कि इनपुट बॉक्स में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो नेम के बराबर होगा, मिसाल के तौर पर आपने इनपुट बॉक्स में कुछ भी लिखा तो वो नेम के बराबर होगा। ये समझाने के लिए क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर आपने नेम लिख दिया, अब जो इनपुट बॉक्स में होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, याद रखिएगा इनपुट बॉक्स के बाद आपने ये जो ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो इनपुट बॉक्स के ऊपर अपीयर होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब मैसेज बॉक्स अपीयर होगा इसके बाद जिसका नाम हो नेम लिखा होगा प्लस, यानी कि इसके साथ मिला हुआ, लेकिन याद रखिएगा इसके दरमियान मैंने इसलिए गैप छोड़ा है क्योंकि नाम के दरमियान गैप, वरना आप नहीं छोड़ेंगे तो ये साथ आ जाएगा, आपको दिखा देता हूँ, ये देखें सेव इनपुट बॉक्स, अब मैं फराज नाम लिख लेता हूँ, जो भी नाम लिखना, ओके किधर गई, ये देखें फराज, ये इसलिए मैंने इसके वो छोड़ा हुआ था, आपको ये भी इनपुट बॉक्स की भी समझ आ गई होगी। अब मैं आपको दूसरी, इसमें भी आप डू और लूप के ज़रिए लूप कर सकते हैं, अब ओपन प्रोग्राम करता हूँ, याद रखिएगा ये आप डिस्क्रिप्शन से एक एक, ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये आठ हो गया आठ हैं, आप मेरे डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके चला सकते हैं, सबके अलग अलग मैंने करके रखी हुई हैं, याद रखिएगा डू और लूप का मैंने ऑप्शन नहीं डाला है, वो आप खुद डाल लीजिएगा, आपको आसानी के लिए समझाने के लिए मैंने किया। अब ये देखें ये वाली जो कोडिंग है ना सेट डब्ल्यू शेल, ये कोडिंग इन तीनों में आएंगी, ये देखें एक दो तीन, याद रखिएगा ये अगर आपने एक बार डाल ली और ये तीन कोडिंग एक साथ इस्तेमाल की तो मसला नहीं है। अब पहले आपको इसकी बता दूँ ओपन अप प्रोग्राम, अब अगर आपने ये कोडिंग डालने के बाद ये डब्ल्यू स्क्रिप्ट स्लिप ये देख लें 200 है, अब 200 का मीन्स क्या है, 200 तो कुछ कम ही हो गया, ज़्यादा ही हो गया, वो कम हो गया, ये देखें ये 2000 ये मिली सेकेंड्स को शो कर रहा है, 2000 मिली सेकेंड्स, और आपको जैसा कि पता है 1000 मिली सेकेंड 1 सेकेंड के बराबर होता है, तो वैसे ही 2 सेकेंड के बराबर हो गया ये 2000 मिली सेकेंड्स, ये मिली सेकेंड्स में शो कर रहा है, याद रखिएगा। अब इसके बाद लिखा हुआ है डब्ल्यू शेल, ये तीनों में सेम होगा, ये तीन आएगी ना ये सेम है, लेकिन इसमें रन, अब रन क्या, जो रन में प्रोग्राम में जो भी सॉफ्टवेयर ओपन होगा या प्रोग्राम ओपन होगा
वही यहीं से ओपन होगा, नोटपैड ओपन हो सकता है। ओके क्या हो गया, बाकी बहुत से सॉफ्टवेयर एक्सेल डी एक्स डी एग यानी कि डायरेक्टर्स का डायलॉग वो भी ओपन हो जाता है। वैसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे तो वो भी ओपन हो जाएगा। अब मैंने नोटपैड लिखा है, अब 2 सेकंड बाद नोटपैड ओपन होगा, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें 1 2 ओपन हो गया। अब ये देखें ये नोटपैड ओपन हुआ है, वही हुआ है। अब आपने ये भी कोडिंग समझ ली, ये भी लूप कर सकते हैं, बार बार ओपन होता रहेगा, बंद नहीं होगा। अब सीडीरोम ये आपको दिखा तो सकता है ना, कोडिंग ये याद रख लेंगे, याद रखिएगा। अब जितनी भी बार करें सिर्फ ये ओपन करेगा, क्लोज नहीं करेगा। इजेक्ट देख ले, अब यहाँ पर इजेक्ट लिखा हुआ है, ये देखें ये आप जितनी भी बार लिखें 1 2 3 बार, लेकिन सबसे आखिर में इसके एंड इफ़ लगाना मत भूलिएगा, वरना एरर देगा ये आपका कोडिंग में वायरस ओपन होते वक्त। एक बार वायरस चलाने से वो किसी को देने से पहले आप चला कर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एरर आता है अगर आपने कोई गलती की होगी। वैसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन से सिर्फ कॉपी करके एडिट कर लीजिएगा, मसला नहीं है। अब ये देखें ये आपको चला कर चेक तो करवा नहीं सकता, आप खुद ही चेक कर लीजिएगा मेरे डिस्क्रिप्शन से कॉपी करके अपने कंप्यूटर में चला कर। अब मैं आपको क्लिक करके दिखा दूँगी, ये मेरा सीडी रोम ओपन हो गया। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। अब इसे स्पीकिंग, अब स्पीकिंग का नाम ये बिल्कुल ईजी है, ये देखिए इसमें ये आप बस आप ये 2 चीज़ें याद रखें, 1 और 2। ये इसमें जो भी आप लिखेंगे वो आवाज़ आपके स्पीकर से आएंगी। और यहाँ पर स्पीड रेट यानी कि अगर माइनस में होगा तो स्लो और प्लस में होगा तो फास्ट, यानी कि जल्दी जल्दी आवाज़ आएगी। ये देखिए अब मैंने माइनस में भी रखा है, अब मैंने इसे ओपन किया, बाय, जैसा कि आपने सुना गुड बाय बहुत स्लो हुआ है। अब मैं इसे एडिट करता हूँ और माइनस की जगह प्लस कर लेता हूँ, यानी कि प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता है। आपको आवाज़ समझ भी नहीं आओगी, जैसा कि मैं समझ सकता हूँ, मैं भी नहीं समझा। अब ये देखें ये आप ये कोडिंग भी आप लूप कर सकते हैं, बार बार आवाज़ आती रहेगी। एक ये तो कोडिंग दिखा दूँ आपको, अच्छी लगेगी। ये देखें डू लूप, ये मैंने सेव कर लिया। अब ये गुड बाय बहुत तेज़ तेज़ होता रहेगा, आवाज़ भी समझ में आएगी, जैसा कि आप सुन सकते हैं। अब मैं टास्क मैनेजर जल्दी से खोलता हूँ, वरना ये गुड बाय होता रहेगा। ये देखें बंद कर दिया। अब ये देखें अब ये 2 कोडिंग्स बाकी रहे हैं और ये मेन कोडिंग है। अब मैंने इसे एडिट ओपन किया, जैसा कि मैंने आपको बताया था ओपन अप प्रोग्राम में भी ये कोडिंग थी, ये सेम एज इट इज़ है, ये भी सेम एज इट इज़ है। इसमें सिर्फ ये तब्दीली सेंड की, और याद रखिए टाइप अ सिलेक्टेड की और टाइपिंग इन दोनों प्रोग्राम में सिर्फ एक फ़र्क है कर्ली ब्रैकेट का। ये देखिए अगर आपने कर्ली ब्रैकेट अप्लाई किया है तो इस पर एक सिलेक्टेड की तरफ इशारा होगा, मिसाल के तौर पर ये सिर्फ अप की दबाएगी। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट हटा दिए तो ये यू पी अप टाइप करेगा। आपको पहले ये दिखा दूँ, ये देखिए अब मैंने इस पर क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली अप की दबाएगा, ये देखिए अप हो गया। अब मैं इसको चला कर दिखाता हूँ ये टाइप करेगा, अभी तो आप खैर नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो नोटपोर्ड ओपन करना होगा। ये देखें ये मैंने वही किया, लेकिन इस पर कर्ली ब्रैकेट अप्लाई ना हो। आई एम की जगह मैं अप्पी करके दिखा दूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करेंगे तो स्मॉल और कैपिटल का फ़र्क नहीं कोई। अब ये देखें मैं नोटपैड पहले ओपन करके रख देता हूँ ताकि टाइप हो तो मसला ना करें। ये देखो सेव, अब मैंने इसे ओपन किया और नोटपैड पर क्लिक किया। अब ये देखें ये टाइप किया, आप अगर कर्ली ब्रैकेट डालेंगे तो वो टाइप नहीं करेगा, अब की से वो दबाएगा। अब ये देखें अब मेन आ गया वायरस, अब इस पर मैंने एडिट किया। अब आपको याद है सारी की सारी कोडिंग जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी कि वायरस कटा गया। पहले वायरस ने ओपन किया था मैसेज बॉक्स, हेलो ऑल माय फ्रेंड्स, के बाद इसने ओपन किया था इनपुट बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको इनपुट बॉक्स की कोडिंग आपको समझाई थी, वही ओपन हुआ। व्हाट्स योर नेम इसने बोला था, इसके बाद मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ था, फराज डू यू वांट टू ओपन माय कंप्यूटर, ये रहा फराज की जगह नेम आ गया जो आपने इनपुट बॉक्स में अपीयर किया था। फिर वापस मैसेज बॉक्स अपीयर हुआ था कि आप इंतज़ार करें। फिर आपने ये वाली जो कोडिंग मैंने बताई थी तीनों के तीनों टाइप्स में आती हैं, ये एक बार आपने टाइप कर ली तो बार बार जितनी बार वो 3 टाइप्स की कोडिंग डालेंगे नीचे मसला नहीं करेगी, सिर्फ एक बार डालने। लेकिन इसके दरमियान कोई और कोडिंग डाले तो वापस दूसरी यानी कि दूसरी टाइप्स की तो वापस आपको ये डालना होगा। ये देखिए अब की डाउन की, अब वापस इंटर किया था, ये बैक स्पेस है, नोटपैड ओपन हुआ था, रन। ये देखिए राइट राइट अप डाउन टैब बटन, ये सारे बटन पे इशारा है। अब ये टाइपिंग हुई है, फिर इंटर दबा, फिर वायरस। अब ये आ गया वॉइस की तरफ, इसने बोला था आई एम वायरस।
हाँ हाँ ये स्पीड, ये स्लो है, -3 और ये 3, याद रखिएगा। और ये फिर ओपन होगा आपका सीडी रोम। इसके बाद मैंने एंड इफ नहीं डाला है, क्योंकि जितनी बार आप डालना चाहें डालें, लेकिन आखिर में एंड इफ डालना मत भूलिएगा, जिससे कि मैंने आखिर में डाला है। पहले सीडी रोम के बाद मैसेज बॉक्स अपियर हुआ। अगर आपने सीडी रोम क्लोज कर लिया तो वापस सीडी रोम ओपन होगा, अगर क्लोज़ नहीं किया तो फ़र्क नहीं पड़ता, खुला हुआ है तो खुला हुआ ही रहेगा। इसके बाद आखिर में एंड इफ डालना मत भूलिएगा। इसके बाद मैसेज बॉक्स अपियर हुआ था, डोंट वरी नथिंग हैपन। इसके बाद मैसेज बॉक्स अपियर हुआ था, फराज योर कंप्यूटर इज सेफ। ये देखिए मैंने कोमा डाला, ये फराज नेम आ गया। इसके बाद मैसेज बॉक्स अपियर हुआ था प्लस नेम, और आखिर में सबसे आखिर में एंड इफ। अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, अब आपको इसका शॉर्टकट बनाना बता देता हूँ। ये देखिए मेरा तो बना हुआ है, फिर किसी भी आप कॉपी करें इसे, पेस्ट शॉर्टकट, हमने इसका शॉर्टकट बना दिया। अब आप इसका आइकन इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, चेंज आइकन का क्लिक कीजिए और जो चाहें आइकन क्लिक कर सकते हैं, रख सकते हैं, मैंने ये रख दिया। अगर आप फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।